ये वीडियो चोर कौन है वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले पार्ट वन देख लीजिए। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में एक बड़ा सस्पेंस है। तो चलिए पहली देखते हैं। एक बड़े अवार्ड फंक्शन में बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड देने के लिए 5 एक्ट्रेस को नॉमिनेट किया गया, जिनके नाम है पिहिका, चिकू, क्रीना, दीपा और इला। अवार्ड देने से पहले इन 5 एक्ट्रेस का इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में एक कॉमन सवाल सभी एक्ट्रेस को पूछा गया। सवाल ये था कि क्या आप अवार्ड के अनाउंसमेंट के पहले नर्वस फील कर रहे हैं? पिहिका ने कहा, हाँ मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। चिकू, बिल्कुल नहीं, मुझे तो कभी भी किसी भी बात का डर नहीं लगता। क्रीना, अवार्ड तो मैं ही जीतूंगी, मगर मुझे एक बात का अफसोस है कि मैं अवार्ड लेते टाइम सेल्फी नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरा फोन घर पर रह गया है। दीपा, मैं भी नर्वस नहीं हूँ, क्या आप अपना पेन मुझे देंगे ताकि मैं अवार्ड जीतने के बाद मेरे फैंस को ऑटोग्राफ दे सकूं? तुरंत ही इंटरव्यू लेने वाले ने अपनी पेन दीपा को दे दी। इला, मैं कभी भी नर्वस नहीं होती, मेरी मौजूदगी दूसरों को नर्वस कर देती है। इस लाइव इंटरव्यू को करोड़ों लोगों ने टीवी पर देखा। इंटरव्यू के बाद अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ। अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर गोज टू पिहिका। पिहिका ने बड़ी खुशी से अपना अवार्ड लिया। चिकू ने कहा, अवार्ड तो जीत लिया, अगर मुझसे कार रेस में जीत के दिखाओ तो मैं मानू, जो हारेगा वो मेरे घर पर पिज्जा की पार्टी देगा। तो चिकू और पिहिका के बीच चिकू के घर तक रेस लगी। और रेस चिकू जीत गई। सभी एक्ट्रेस चिकू के घर के अंदर जाती है और रेस हारने की वजह से पिहिका ने सबके लिए पिज्जा मंगवाया। पिज्जा घर पे आता है और सभी लोग पिज्जा खाते हैं। और उसी वक्त पिहिका का फोन बजता है और वो बालकनी में आके फोन पर बात करती है। पिहिका फोन पर किसी से कहती है कि हाँ, मुझे ही मिला है अवार्ड, और तुम्हें सक्सेस मिली कि नहीं? ओके गुड, चलो बाय, बाद में मिलते हैं। फोन पर बात करने के बाद पिहिका जब अंदर आती है तो वो देखती है कि वहां पे कोई नहीं होता और उसे मिला अवार्ड भी टेबल पर से गायब हो जाता है। पिहिका ने सबको आवाज लगाई, सभी लोग वहां पर आ गए। पिहिका ने पूछा, मेरा अवार्ड कहाँ गया? सभी ने कहा, हमें नहीं पता। पिहिका समझ गई कि अवार्ड इन चारों में से ही किसी ने चुराया है। पिहिका ने पुलिस को फोन लगाया और सारी बात बता दी। और थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां आ जाती है। पिहिका ने पुलिस से कहा कि मेरा अवार्ड इस टेबल पर पड़ा था, लेकिन जब मैं फोन पर बात करके अंदर आई तो वो वहां पर नहीं था। पुलिस ने टेबल की ओर जाकर देखा तो वहां पर एक पेन पड़ा था। पुलिस ने थोड़ा इधर उधर देखा, फिर सभी से पूछा कि जब अवार्ड चोरी हुआ उस समय आप लोग कहाँ थे? क्रीना, मेरी मम्मी का फोन आया था इसलिए मैं अंदर के रूम में जाकर बात कर रही थी। चिकू, पिज्जा खाने के बाद मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं किचन में पानी पीने गई थी। इला, मैं बाथरूम में हाथ धोने गई थी तभी मैंने पिहिका की आवाज सुनी और मैं तुरंत ही बाहर आ गई। दीपा, पिज्जा खाने के बाद मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं थोड़ा आराम करने के लिए चिकू के बेडरूम में सो गई थी, लेकिन पिहिका की आवाज सुनते ही मैं जाग गई। पुलिस ने सभी की बातों को सुना, फिर एक आखिरी सवाल पूछा कि अवार्ड फंक्शन के बाद आप सभी कहाँ गए थे? पिहिका ने कहा, अवार्ड फंक्शन के बाद हम सब सीधा चिकू के घर पर आए थे। ये बात सुनते ही पुलिस ने तुरंत ही पकड़ लिया कि अवार्ड किसने चुराया है। तो क्या आप लोग पकड़ पाए कि चोर कौन है? आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चोर है क्रीना, कैसे आइए समझते हैं। क्रीना ने झूठ बोला कि जब अवार्ड चोरी हुआ तब वो फोन पर अपनी मम्मी से बात कर रही थी, क्योंकि अवार्ड फंक्शन के पहले इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो फोन घर पर भूल आई है इसलिए वो सेल्फी नहीं ले पाएंगी। और पुलिस ने भी ये इंटरव्यू टीवी पर देखा था इसलिए पुलिस तुरंत ही समझ गई कि क्रीना झूठ बोल रही है और वही चोर है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पिहिका वहां से अपना अवार्ड लेके अपने घर जाने निकलती है। पिहिका को एक तरफ अवार्ड मिलने की खुशी हो रही थी तो दूसरी तरफ उसके साथ जो हुआ उसे याद कर कर दुखी हो रही थी। और ख्यालों ही ख्यालों में वो कब घर पहुंच गई उसे भी पता नहीं चला। पिहिका अपने घर के अंदर जाती है और अपने घर में उसने जो देखा उससे पिहिका के होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके पिताजी जमीन पर खून से लथपथ होकर पड़े हैं और उनके बाजू में फारूक खड़ा था। पिहिका ने चिल्ला के बोला,
ये तूने क्या किया? तूने क्यों मारा मेरे पिताजी को? फारूक ने कहा, मैंने नहीं मारा इनको, लेकिन पीहिका ने कुछ नहीं सुना और तुरंत ही पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आते ही शक के आधार पर फारूक को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। इस कहानी में सस्पेंस बरकरार है। क्या सही में फारूक ने मकान मालिक यानी कि पीहिका के पिताजी का खून किया है? अगर नहीं तो असली खूनी कौन है? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जिसमें सारे राज खुलेंगे।